जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं, अगर तुमने मेरी यह बात मान ली तो समझो मैं आपके साथ हूँ। आप जो चाहोगे वह आपको मैं दूंगा। प्यारे भक्तों, भगवान किस बात के लिए कह रहे हैं कि हम उनकी बात को मान लें? भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हर इंसान चाहता है कि भगवान मेरे साथ रहें। भगवान साथ में रहेंगे तो हम थोड़ी कुछ करेंगे, वो तो सब कुछ भगवान ही करेंगे। और भगवान करेंगे तो वो काम बिल्कुल 100% सही होगा, क्योंकि अरे में तो बहुत सारी कमियां हैं। कभी कुछ काम ठीक हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो संपूर्णता नहीं। तो इसलिए भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान यह कहना चाहते हैं कि तुम मेरी इस बात को मानो, केवल आपके अंदर जो श्वास है, श्वास रूपी खजाना है, उसके अंदर सब कुछ भंडार भरा हुआ है, सब कुछ है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उस खजाने में जो चाहो वो ले लो। तो प्यारे भक्तों, भगवान क्या इशारा दे रहे हैं, क्या कहने के लिए कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप केवल सारे कार्य करते करते और मुझको याद करो। अब भगवान को कैसे याद करें? भगवान को तो हमने देखा नहीं, तो हम उनको याद कैसे करें? हाँ, देखा नहीं, लेकिन संत जो इशारा करते हैं हम समझते नहीं हैं। यहाँ तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं आपके श्वासों के अंदर बैठा हुआ हूँ। अगर आती जाती श्वास को तुम हर समय देखते रहोगे तो समझ लो आप मुझे ही देख रहे हो, आप मुझे ही याद कर रहे हो। अगर आपने ये अभ्यास निरंतरता और विश्वास से कर लिया तो ऐसा दुनिया का कोई कार्य नहीं है जिस कार्य में आप फेल हो जाओ, आपका कोई कार्य शुभ ना हो। इससे आपके सारे कार्य शुभ होंगे। आप कभी हानि का मुंह नहीं देख सकते, आप कभी अपयश का मुंह नहीं देख सकते। आपका सम्मान ही सम्मान होगा, अपमान होगा ही नहीं। सामने वाला कितना ही दुराचारी हो, कितना ही ब्रह्मचारी हो, वह भी आपसे मित्रता करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा? क्योंकि आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आप भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान आपके साथ हैं। वैसे तो साथ हैं ही, लेकिन मान्यता तब मिलेगी जब ज़्यादा ज़्यादा समय तक आप मन के द्वारा श्वासों को देखोगे। तो ऐसा प्रेमी भक्तों आप कर सकते हैं अगर आप इस पर विश्वास कर लें, क्योंकि आपने कहीं से कुछ लाना नहीं है, कुछ देना नहीं है। सिर्फ चलती आती जाती श्वास को केवल आपने मन के द्वारा देखना है। आप सारे कार्य करते रहो और ये छोटा सा अभ्यास करो, भगवान की ये बात मान लो, तो फिर आपको जो चाहे वो मिलेगा। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।